नमस्कार, ग्रेट भेट मध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आज माझ्या सोबत आहेत डॉक्टर किरण बेदी, मॅग्सेसे पुरस्कार विजेत्या डॉक्टर किरण बेदी. देशातल्या पहिल्या महिला पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांची गाजलेली कारकीर्द सगळ्या जगाला ठाऊक आहे. याशिवाय तिहार तुरुंगात त्यांनी केलेलं परिवर्तनही आपल्याला ठाऊक आहे. अलीकडेच लोकपालाच्या आंदोलनामध्ये त्या आघाडीवर राहिलेल्या आहेत. आज मी त्यांना विचारणार आहे, त्यांनी आयुष्यभर व्यवस्था परिवर्तनाचा प्रयत्न केला, हे परिवर्तन कुठे आलंय, कितपत यशस्वी झालंय. किरणजी, स्वागत आपका IBN लोकमत में और ग्रेट भेट में. ये इंटरव्यू जब हम कर रहे हैं, कल ही हैदराबाद में बम विस्फोट हुए हैं, आतंकवादी हमले जो है देश पर होते जा रहे हैं, कल का भी हमला यही दिखाता है. क्या सोचती है आप इसके बारे में, क्या हम आतंकवाद को नहीं रोक सकते? उतनी देर नहीं रोक सकते जब तक अपनी पुलिस व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ओवरऑल नहीं करेंगे. अमेरिका में 9/11 एक ही बार हुआ, उसके बाद उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को ऐसा स्ट्रांग किया कि दोबारा नहीं हुआ. ओवरहॉलिंग की जरूरत है. ये मशीनरी टूट चुकी है. पार्लियामेंट को समय निकालना पड़ेगा पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने के लिए कि बार बार क्यों हो रहा है. लेकिन क्या क्या होना चाहिए, कैसे होगी ये सिस्टम ओवरऑल, कैसे होगा व्यवस्था परिवर्तन? देखिए, रिकमेंडेशंस पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आज से नहीं आ रही, नेशनल पुलिस कमिश्नर ऑफ 70 से आ रही है, लेकिन रिकमेंडेशन सिर्फ रिकमेंडेशन रहती है, इंप्लीमेंट कोई नहीं करता है. और ये इश्यूज आपकी इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं आता. कई पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन मैनिफेस्टो छापती नहीं है तो भी सत्ता में आ जाती है, और कई छापती हैं लेकिन उसमें पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो क्राइम से लिंक्ड चीजें, वे नहीं करते और तो भी वोट ले लेते हैं. ये हमारा वोटर जब तक जागेगा नहीं, कहेगा मैं तुझे वोट तब दूंगा अगर मुझे तुम ये दोगे, नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा. देखते तू 5% वोट से कैसे इलेक्ट होते हैं. अपने वोट को अपने भविष्य के साथ नहीं जब तक जोड़े, सिर्फ रोटी रोजी से नहीं जोड़े, एक साड़ी से नहीं जोड़े, एक शराब की बोतल से नहीं जोड़े, एक मिक्सर मशीन से नहीं जोड़े, एक टेलीविजन से ना जोड़े, अपना भविष्य के साथ जोड़े. तो जब तक वो अपना एक वोट एक अपने भविष्य के साथ, अपने बच्चे के भविष्य के साथ नहीं जोड़ेगा, ओवरहॉलिंग नहीं होगा. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को चुनौती नहीं मिलेगी. जब तक ये चुनौती नहीं देंगे तब तक हमारा ये ओवरहॉलिंग नहीं होगा. लेकिन आपने ये कोशिश की लोकपाल आंदोलन के दरमियान, ये सारी कोशिशें आपने, अन्ना हजारे ने, अरविंद केजरीवाल ने की, वोटर तो आज तक जागा नहीं है. क्या करेंगे आप इस आंदोलन की तरफ, आज कुछ दिन बाद कैसे देखती है? जागा है. अगर वो जागता ना तो वो महिलाओं का जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का था, लड़कियां आती लड़के आते, वे जागे हुए ही आए थे. वे अन्ना हजारे के रामलीला ग्राउंड पे आए थे, वे हमारे जंतर मंतर पे आए थे, और बिना एक कोई नेतृत्व के उन्होंने अपनी बात बोली, और जिसकी वजह से जस्टिस वर्मा कमेटी का पैनल बैठा और आज पैनल ने इतनी जबरदस्त रिपोर्ट दी जो एक तलवार लट गई है सरकार पर. लोग तो गुस्से में हैं, ये ठीक है, लेकिन लोग रास्ते पर आते हैं, वापस घर में जाते हैं, इनको कोई लीडर नहीं है, इसका नतीजा कैसे निकलेगा? देखो, लीडर ऐसी बात है कि अगर इस वक्त आप लीडर ढूंढने मिलेंगे तो लीडर मिलेंगे नहीं. तो इस वक्त लीडर मत ढूंढो, इस वक्त वोट को अपना लीडर बनाओ, अपने आप को लीडर बनाओ. लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर वह होता है जो परिवर्तन लाता है. अपने में परिवर्तन लाओ ना, कि मैं इस बारी 2014 की इलेक्शन में अब वोट उसी को दूंगा जो क्रिमिनल नहीं होगा, जो भ्रष्ट नहीं होगा. मेरी व्यू ये है, मेरी मैं किसी राजनीति से नहीं हूं. अगर स्टेबिलिटी लानी है तो आपको एक मोटी पार्टी को जवाबदेही देके वोट देना होगा, चाहे आपको पार्टी ए हो या पार्टी बी हो. क्योंकि पार्लियामेंट में स्टेबिलिटी के बिना कोई भी आगे परिवर्तन या आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती. लेकिन किरण जी, स्टेबिलिटी देने वाली दो पार्टियां जो है, लोग ये कह रहे हैं इस देश की जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों भ्रष्ट बन चुकी है, तो हमें विकल्प चाहिए. लोग आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं. इस वक्त तीसरा राष्ट्र पार्टी का विकल्प नहीं है, इस वक्त नहीं है. इसलिए इस वक्त की पुकार है स्टेबिलिटी. तो आपको दोनों पार्टी में चूज करना है कि कौन सी पार्टी को मौका दें, या सुधरने का या नया करने का. एक भ्रष्टाचार दोनों में है, एक ज्यादा होगा, कोई एक ज्यादा होगा, कोई कम होगा, आप कम को चुन लो. सवाल ये उठता है, और लोग आपसे या अन्ना हजारे से ये पूछते हैं कि आप क्यों नहीं विकल्प देते. लोग ये पूछते हैं किरण जी के पास क्रेडिबिलिटी है, किरण जी के पास इमेज है, किरण जी लोगों के सवालों से जुड़ी हुई है, तो किरण जी विकल्प क्यों नहीं देती, किरण जी या अन्ना हजारे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास समय है,
मैं समय समाज सेवा में लगा रही हूँ, अन्ना हजारे भी लगा रहे, जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिशियन ही बन जाए, क्योंकि जिस दिन आप पॉलिटिशियन बनते हैं, जिस दिन आप पॉलिटिशियन बनते हैं आप बट जाते हैं। हमारा तिरंगा है ना, मेरा रंग हरा है ना, मेरा सिर्फ भगवा है ना सफेद है, मैं तो तिरंगा हूँ। देखिए अगर पॉलिटिक्स में मुझे आना होता तो मुझे 19 साल की उम्र में आना चाहिए था, 20 साल की उम्र में, जहां मैं फिर राजनीति से फुट सोल्जर बन के ऊपर आते। अब मैं फुट सोल्जर की स्टेज में नहीं हूँ। अगर आप मुझे सोचे तो आप चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मैं चुनाव ओरिएंटेड हुई नहीं, तो आप चुनाव कभी भी नहीं लड़ेंगी? चुनाव बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मीडिया में तो ये खबरें आ रही थी कि किरण जी चुनाव लड़ने जा रही है, ये कोई अफवाह उड़ा रहा था, जिनको सूट करता था ये वो उड़ा रहा था। मैं तो राजनीति ओरिएंटेड हुई नहीं, तो आप तो ये मैं पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड हूँ, नहीं तो पुलिस सर्विस में क्यों जाती? बिल्कुल, आप पब्लिक सर्विस के लिए ही पुलिस सर्विस में गई थी, और मैं उसी भूतकाल में जाना चाहता हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी आपने जो लड़ाई लड़ी है, आज भी लड़ रही है आप, आपका ट्रस्ट है इंडिया विजन फाउंडेशन, उसके जरिए लड़ रही है, लेकिन जब आपने ये लड़ाई शुरू की तब भी ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, क्या इसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था? एब्सोल्युटली, मैं सरकार में सत्ता को, जैसे पुलिस सर्विस होती है, पुलिस सर्विस आपको सरकारी पावर देती है टू चेंज, मेरे लिए पुलिसिंग वॉज नॉट द पावर टू अरेस्ट, मेरे लिए पुलिसिंग पावर वॉज नॉट टू फाइट एनकाउंटर्स, पुलिसिंग वॉज अ पावर टू प्रिवेंट, प्रिवेंशन की पावर थी, रिफॉर्म की पावर थी, क्योंकि मुझे इसमें रुचि थी। आपको इसमें रुचि थी, आपको रिफॉर्म्स करने थे, और आपने पुलिस को एक अलग चेहरा देने की कोशिश की, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसके पहले आप ऑल इंडिया टेनिस चैंपियन थी, बहुत ही एक मशहूर एक खिलाड़ी थी आप, तो ये सारी चीज छोड़कर आपने पुलिस में जाना ही क्यों पसंद किया? क्योंकि मैं जिंदगी भर सिर्फ टेनिस ही नहीं खेलना चाहती थी, मैं चाहती थी समाज सेवा में लगूं, देश की सेवा करूं, काम भी करूं, तो मेरे लिए टेनिस एक सीढ़ी थी चरित्र निर्माण के लिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स आपको सिखाता है वो केवल किताब नहीं सिखाता है, मुझे जो स्पोर्ट्स ग्राउंड से मिला, स्टेमिना मिला, स्ट्रेस मैनेजमेंट मिला, इनजस्टिस से के खिलाफ हार के जीतने का निश्चय मिला, और मुझे सारा दुनिया में मैंने ट्रैवल किया एज अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल, 15 ईयर ओल्ड, मैंने सारी देश को देखा, विदेश को देखा नौकरी करने से पहले। सो मेरे लिए वो जो दुनिया खुली, वो कि स्पोर्ट्स नहीं होती तो कैसे खुलती? मेरे पापा भी टेनिस चैंपियन थे, मेरी बहनें भी, इनफैक्ट आपको मालूम नहीं होगा कि 60s में पिशावरिया फैमिली सिस्टर्स वॉज दी ओनली फैमिली सिस्टर्स जो इतनी सारी बहनें इकट्ठी खेल रही थी, मेरी छोटी बहन और मेरे से छोटी बहन, तीनों बहनें हम लोग टेनिस सर्किट पे होती थी। मैं कहा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है थ्री सिस्टर्स एक ही टाइम पर टेनिस टूर्नामेंट्स में होती हो, तब ना 24/7 चैनल था, सिर्फ रेडियो होता था और स्पोर्ट्स पेज हमें मिलता था। लेकिन उस जमाने में तीनों बहनें टेनिस खेलना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये माँ बाप को श्रेय जाता है, क्यों माँ बाप, क्योंकि हम चार बहनें थी, बड़ी बहन तो अमेरिका चली गई कनाडा, लेकिन तीनों जने हम लोग टेनिस खेलते गए, ये हमारी माँ बाप की देन थी, जो कि इस चीज में विश्वास करते थे कि करियर बनाना है, खूब खेलना है, अपना चरित्र निर्माण करना है। सो हम खूब खूब खेलते थे, हमारा दो ही काम था, खेलना या पढ़ना, बस। आपने दोनों किए? दोनों किए।